कैसे हो? मैं हूं आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। आपने नमस्ते बच्चों, COVID-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं, जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए, आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा का अभ्यास करने जा रहे हैं। आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे, पाठ 15 व्यायाम। चलो तो देखते हैं इस पाठ में कौन से व्यायाम करने को कहा है। देखो तो यहाँ ये सारे बच्चे व्यायाम कर रहे हैं। व्यायाम के अलग अलग प्रकार होते हैं। व्यायाम करना हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। व्यायाम करने से हम चुस्त तंदुरुस्त रहते हैं, हमें स्फूर्ति जागती है। तो छोटा हो या बड़ा हो, हर एक को व्यायाम करना चाहिए। लेकिन कौन से व्यायाम हमें करने चाहिए, यह भी हम आज देखते भी हैं और उसकी कृति भी करते हैं। इस चित्र में देखो, तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चे यहाँ व्यायाम कर रहे हैं। अब हमें भी इस तरह का व्यायाम करना है, तो आप सब तैयार हो व्यायाम करने के लिए। जो व्यायाम हमें करना है उसकी कृति मैं बता दूंगी। आप जैसे बताया है वैसे कृति करके व्यायाम करना है। चलो तो सब तैयार हो जाओ व्यायाम करने के लिए। यह भी एक व्यायाम ही है। सब बच्चे कैसे मिलजुल कर जैसे टीचर बता रही है वैसा व्यायाम यहाँ कर रहे हैं। योगा फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। छोटे बच्चे जो होते हैं, उनका शरीर जो होता है बहुत ही लचीला होता है। वे बड़े आसानी से योगा के हर तरह के प्रकार कर सकते हैं। देखो तो इस चित्र में ये सारे योगा के प्रकार है। छोटे बच्चे बिल्कुल ही आसानी से इसे कर जाते हैं, जबकि बड़ों को इसे करने में बहुत कठिनाई लगती है। तो बच्चों, हमें भी इस तरह कुछ योगा के भी प्रकार करने हैं, तो आप सब तैयार हो ना? ये है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार को सर्वांग सुंदर व्यायाम कहा जाता है। सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं, इसकी पोज यहाँ 1 से 12 अंकों तक दी हुई है। तो इस तरह सूर्य नमस्कार किए जाते हैं। सूर्य नमस्कार करने के बहुत सारे फायदे हैं। तो हर एक ने सूर्य नमस्कार कैसे करना है यह सीखना जरूरी है, और हर रोज सूर्य नमस्कार करने चाहिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए हुए व्यायाम प्रकार कुछ इस तरह हैं। चित्र दिए हैं, उसकी कृति दी है। ध्यान से पढ़ना और कृति करना है। व्यायाम शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि व्यायाम करने के क्या फायदे होते हैं और व्यायाम करने के क्या नियम होते हैं। सुबह व्यायाम के 6 आश्चर्यजनक स्वास्थ्य लाभ। पहला,
मिलेगी एनर्जी, दूसरा बेहतर होगा मूड, तीसरा नींद में सुधार, चौथा ब्लड प्रेशर रहता है कंट्रोल, पांचवा तनाव को कम करने में मदद मिलती है, छठा बेहतर रूटीन बनता है। व्यायाम करने से पहले इन बातों का रखे ख्याल। एक, पहले यह तय करें कि आप रोजाना व्यायाम को कितना समय दे सकते हैं। यह 40 मिनट से कम और 1.5 घंटे से ज्यादा न हो, यह बात हमेशा याद रखना बच्चों। दूसरा, व्यायाम करने के 15 मिनट पहले हल्का फुल्का कुछ जरूर खा ले। यह माना जाता है कि एक्सरसाइज खाली पेट करना चाहिए, पर यह नियम योग और प्राणायाम के लिए है। जिमिंग के लिए पर्याप्त ऊर्जा होना जरूरी है, तो ध्यान रखें कि आप बिल्कुल ही खाली पेट न हो। व्यायाम करने से पहले 15 मिनट या आधा घंटा थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ खा लिया हो, लेकिन जब आप योग प्राणायाम या सूर्य नमस्कार करते हैं तब आपका पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए। तो ये बातें जरूर याद रखना, व्यायाम करने से पहले इन्हें समझ लेना। देखो इस चित्र में विश्राम की मुद्रा में खड़े रहो। जब भी हम किसी मैदान में जाते हैं, खेलने जाते हैं, व्यायाम करने जाते हैं, तो हमारे जो पीटी टीचर होते हैं, वे पहले हमें कतार में खड़े कर इस तरह विश्राम और सावधान की कृति हमसे करवाते हैं। अब देखो यहाँ विश्राम की मुद्रा में खड़े रहने को कहा गया है। विश्राम की मुद्रा में खड़े रहने के लिए अपने दोनों पाओ में 45 डिग्री का अंतर रखकर और दोनों हाथ पीछे लेकर एक दूसरे को हाथ से बांधना है। तो यह हुई विश्राम की मुद्रा। तो चलो आप भी तैयार हो ना, आप खड़े रहो और इसी तरह विश्राम की मुद्रा में पहले खड़े रहो। विश्राम की मुद्रा में खड़े रहो, विश्राम। अब हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ व्यायाम कर रही है। उसके कुछ फोटो यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखो तो कैसे वह विश्राम में खड़ी है, हाथ पीछे है, दोनों पाओ में अंतर है। तो आपको भी इसी तरह खड़े रहना है विश्राम की मुद्रा में। सावधान की मुद्रा में खड़े रहो। यह चित्र ध्यान से देखो। सावधान की मुद्रा में खड़े रहने के लिए हमें क्या करना है, हमारे दोनों पाव भी एक दूसरे के नजदीक चिपक कर रखने हैं और हमारे दोनों हाथ भी बाजू में सीधे रखने हैं। यह हुई सावधान की मुद्रा। चलो बच्चों आप भी अभी सावधान की मुद्रा में खड़े रहो। देखो ये बच्चा सावधान की मुद्रा में खड़ा रहा है, आप भी सावधान की मुद्रा में खड़े रहो। ये जो छोटी बच्ची है, मोक्षा नाम है इसका, ये भी हमारे साथ साथ व्यायाम कर रही है। ये अभी सावधान की मुद्रा में खड़ी है। देखो दोनों पांव सीधे हैं, दोनों हाथ बाजू में भी सीधे हैं, दोनों हाथों की मुट्ठी बंद है। तो अब भी इसी तरह सावधान की मुद्रा बनाए खड़े रहो। चलो 1 2 3 सावधान। हो गए सावधान। एक पैर पर खड़े हो जाओ। आगे का व्यायाम प्रकार क्या है, एक पैर पर खड़े होना है। एक पैर पर ही हमारे पूरे शरीर का बैलेंस रखना है। तो किस तरह यह बच्चा खड़ा है, देखो
एक पाँव घुटनों में से पीछे मुड़ा है, दूसरा पाँव सीधा है, दोनों हाथ सीधे हैं और मुट्ठी बंद है। तो यह व्यायाम प्रकार अब आप भी करेंगे। चलो तैयार हो जाओ। क्या करना है? एक पैर पर खड़े होना है। एक पैर पर खड़े हो। अब यहाँ यह मोक्षा जो है वह भी एक पैर पर खड़ी हो गई है और उसने दोनों हाथ बाजू में सीधे रखे हैं, सिर्फ उसने मुट्ठियां बंद नहीं की है। तो आप मुट्ठी बंद करके एक पैर पे खड़े हो जाओ। चलो शुरू करते हैं। एक पैर पर खड़े हो। आगे का व्यायाम प्रकार देखो, ध्यान से चित्र भी देखो। अब हम नीचे जो सूचना दी है, जो कृति दी है, उसको पढ़ते हैं। अपने हाथ पीठ के पीछे से पकड़कर आगे झुको। देखो, एक हाथ ने दूसरे हाथ को पकड़कर हाथ पीछे ले जाने हैं और हमें कमर में से आगे झुकना है। तो आप यह ध्यान से चित्र देख लो। आपको भी अब यह व्यायाम प्रकार करना है। तो तैयार हो? चलो। अपने हाथ पीछे से पकड़कर आगे झुको। झुक गए सब? मोक्षा भी झुक गई है। देखो, हाथ पीछे और आगे झुककर खड़ी हो गई है। आप भी तैयार हो? चलो, हाथ पीछे और झुको आगे। अब ये जो व्यायाम प्रकार है थोड़ा सा अलग है, इसे ध्यान से देखो। हम अब यह कृति पढ़ते हैं। दोनों हाथ फैलाकर पीछे झुको। दोनों हाथों को विमान की पंखों की तरह दोनों बाजुओं में कंधे के सीधे लाइन में रखने हैं। दोनों हाथ फैलाने हैं और हमें पीछे की ओर झुकना है। समझ में आया बच्चों? क्या क्या करना है? दोनों हाथ कंधे के लाइन में सीधे रखने हैं और दोनों हाथ फैलाकर हमें क्या करना है? हमारे पीठ के और पीछे झुकना है। आया ध्यान में? चलो तो अब हम यह कृति करते हैं, यह व्यायाम हम करते हैं। दोनों हाथ फैलाकर पीछे झुको। अब मोक्षा भी हमें यह व्यायाम करके दिखा रही है। देखो तो सामने बाजू में से देखोगे तो आप व्यायाम करते हुए इस तरह दिखोगे और सामने से देखेंगे तो आप इस तरह दिखेंगे। तो आप तैयार हो ना यह व्यायाम करने के लिए? क्या क्या करना है? हाथ कंधे के लाइन में सीधे रखकर हमें पीछे झुकना है। यहाँ थोड़ा हाथ कंधे के लाइन में होना चाहिए, यह बात आप चित्र को देखकर समझ लो और उसी तरह आप यह क्रिया करो। अब आगे की कृति ध्यान से पहले पढ़ते हैं और चित्र देखकर कृति कैसी करनी है समझते हैं। देखो तो क्या कहा है? झुक कर दाहिना हाथ बाएं पैर के अंगूठे पर और बायां हाथ ऊपर करो। क्या क्या करना है? पहले हमें दो पांव में अंतर लेकर खड़ा रहना है, फिर कमर में से नीचे झुकना है, उसके बाद दाहिना यानी राइट हैंड को हमें लेफ्ट पैर के यहाँ अंगूठे पर लाना है और जो लेफ्ट हैंड है वह ऊपर उठाना है। आ गया समझ में? क्या क्या करेंगे? पाँव में अंतर लेकर खड़े होंगे, दाहिना हाथ बाएं पैर के अंगूठे पर लगाएंगे और बायां हाथ ऊपर उठाएंगे, जो अपने शोल्डर के लाइन में सीधा होता है
इस तरह बाया हाथ शोल्डर के लाइन में सीधा रखेंगे। आ गया ना समझ में? अब तैयार हो यह व्यायाम प्रकार करने के लिए? झुककर दाहिना हाथ बाएं पैर के अंगूठे पर और बायां हाथ ऊपर करो। देखो मोक्षा ने जैसे बताया है वैसे कृति की है। अब यह उसका दूसरा चित्र जो यहाँ फोटो जो है उससे उलट क्रिया भी उसने करके बताई है। इसका मतलब यह है एक बार हमें बाएं पैर के अंगूठे पर हाथ लेना है और एक बार दाहिने पैर पर अंगूठा रखना है, अंगूठे पर हाथ रखना है। तो इस तरह लगातार दाया बाया पाव उसके अंगूठे को हाथ से पकड़ना है और जो विरुद्ध बाजू है जो हाथ है उसको ऊपर उठाना है। आया समझ में? यह क्रिया लगातार करने से क्या होता है? हमारे जो कमर होती है कमर में हम झुक सकते हैं, लचीलापन आ जाता है। अब आगे की कृति देखो क्या करना है। अपने दोनों पैरों के अंगूठे छुओ, कमर में से झुककर नीचे अपने दोनों पैर जो है उसके अंगूठे छूने हैं या पकड़ने हैं। अब यह कृति करने के लिए हमें क्या क्या करना है? हमें दोनों पैर जो है एक दूसरे से चिपक कर खड़े रहना है। फिर उसके बाद जो हमारे दोनों हाथ है वह सामने से नीचे की ओर ले जाने हैं और कमर में से हमें नीचे झुकना है। झुकने के बाद क्या करना है? पैरों के अंगूठों को छूना है। तो आया ना ध्यान में क्या क्या करना है? चलो तो तैयार हो यह व्यायाम प्रकार करने के लिए। अपने दोनों पैरों के अंगूठे छुओ। अब यह कृति मोक्षा ने भी की है। अगर सामने से आप यह व्यायाम प्रकार करते हुए दिखाए जाओगे तो कैसे दिखोगे? देखो तो, और बाजू से देखोगे तो इस तरह आप यह व्यायाम प्रकार करते हुए दिखाई दोगे। तो चलो दोनों पैर एक दूसरे से चिपक कर खड़े रहो, हाथ को नीचे की ओर लेकर कमर में से नीचे झुको और दोनों पैरों के अंगूठे को छुओ। देखो बच्चों कभी कभी हमें यह क्रिया करने में थोड़ी कठिनाई लगती है, कभी कभी हम पैरों के अंगूठे छू नहीं सकते। तो कोई बात नहीं, आप जितना नीचे झुक सकते हो जरूर झुकने की कोशिश करो। और कोई भी व्यायाम प्रकार करते समय अपने शरीर के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे रोज हम यह व्यायाम प्रकार जब करने लगते हैं तो अपने आप शरीर में लचीलापन आ जाता है। आज अगर तुम पैरों के अंगूठे नहीं छू सकेंगे तो कुछ दिनों में लगातार व्यायाम करने के बाद आप जरूर इस काबिल हो जाओगे कि आप अपने पैरों के अंगूठे छू सको। अब आगे का व्यायाम प्रकार देखो। पहले हम कृति पढ़ते हैं। दोनों हाथ ऊपर करके पैर के पंजों पर खड़े हो जाओ। यह व्यायाम प्रकार करने के लिए हमें क्या क्या करना है? पहले हमें दोनों पाँव को जोड़कर एक दूसरे से जोड़कर सीधा पहले खड़े रहना है। फिर उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर ऊपर उठाने हैं और धीरे धीरे पैरों के पंजों पर खड़ा रहना है और हमारे शरीर का पूरा बैलेंस इस पैरों के पंजों पर तोलना है। तो समझ गए ना यह व्यायाम प्रकार किस तरह करना है? चलो तैयार हो। दोनों हाथ ऊपर करके पैर के पंजे पर खड़े हो जाओ।
देखो, साइड से देखेंगे तो आप व्यायाम प्रकार करते हुए इस तरह नजर आओगे और सामने से इस तरह दिखोगे। तो आप भी बताए गए सूचना के अनुसार, कृति के अनुसार यह व्यायाम प्रकार करना शुरू करो। चलो सीधे खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर करके पैरों के पंजे पर धीरे धीरे खड़े रहो और अपने शरीर के वजन को पैरों के पंजे पर तोलो। अब यह अलग सा व्यायाम प्रकार है, बिल्कुल आसान है। क्या करना है, बायां हाथ सामने रखकर उसे धीरे धीरे बाई ओर ले जाते हुए अंगूठे का नाखून देखो। अपनी नजर जो है वह अच्छी रहने के लिए यह नजर का व्यायाम है। तो क्या करना है, बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड, उसे क्या करना है, बिल्कुल सीधे अपने सामने रखना है और मुट्ठी बंद है, सिर्फ अंगूठा खुला है। अब क्या करना है, हमें सामने से बायां हाथ धीरे धीरे बाई ओर ले जाना है और जब हाथ बाई ओर जा रहा है तो हमें क्या करना है, हमारी नजर को भी उस अंगूठे पर टिकानी है, अंगूठे का जो नाखून है उस पर टिकानी है और हमारी नजर हाथ के साथ साथ बाई ओर होनी चाहिए। आया समझ में? चलो तैयार हो यह व्यायाम प्रकार करने के लिए। बायां हाथ सामने रखकर उसे धीरे धीरे बाई ओर ले जाते हुए अंगूठे का नाखून देखो। देखो यहाँ मोक्षा ने भी बताए गए सूचना के अनुसार यह व्यायाम प्रकार किया है। क्या किया है, सामने से बाई ओर हाथ ले जाते हुए उस अंगूठे का नाखून देखने का प्रयास किया है। तो इस तरह यह व्यायाम प्रकार आपको भी करना है, तैयार होना। अब दाया हाथ दाई ओर ले जाते हुए अंगूठे का नाखून देखो, बिल्कुल उसके विपरीत उल्टी क्रिया यहाँ करना है। क्या करना है, अभी सीधे खड़े रहना है और दाया हाथ बिल्कुल सामने लाना है और सामने से उसे दाई ओर धीरे धीरे ले जाना है और जब हाथ दाई ओर जा रहा है तो अंगूठे का जो नाखून है उस पर नजर को टिके रहना है। समझ में आया? चलो तो दाया हाथ दाई ओर ले जाते हुए अंगूठे का नाखून देखो। दाया यानी राइट हैंड, राइट हैंड को कहाँ ले जाना है, राइट बाजू की ओर ले जाना है और क्या करना है, अंगूठे का नाखून जिस पर अपनी नजर को बनाए रखना है। देखो मोक्षा ने भी यहाँ यह व्यायाम प्रकार करके दिखाया है। अब आगे का जो व्यायाम प्रकार है वह हमें बैठकर करना है। तो बैठने के लिए आप नीचे कुछ चद्दर वद्दर जरूर ले लेना। अब देखो क्या क्या करना है, घुटनों पर बैठकर दोनों हाथों से पैरों की उंगलियां पकड़ो। घुटने पर बैठकर पांव क्या हो गए हैं, पीछे मुड़ गए हैं और जब पांव पीछे है तो हमें क्या करना है, पैरों की उंगलियां दोनों हाथों से दोनों पैरों की उंगलियां पकड़नी है। समझ में आया, यह व्यायाम प्रकार हमें बैठकर करना है। घुटनों के बल पर बैठकर दोनों हाथों से पैरों की उंगलियां पकड़नी है। चलो तैयार हो जाओ यह व्यायाम प्रकार करने के लिए। घुटनों पर बैठकर दोनों हाथों से पैरों की उंगलियां पकड़ो। देखो जब आप यह व्यायाम प्रकार करोगे तो साइड से आपकी पोजीशन इस तरह दिखाई देगी और
सामने से आप इस तरह दिखोगे। अब अगला व्यायाम प्रकार बैठकर करना है। बैठकर पैर सीधे करो, दोनों हाथों से पैर की उंगलियां पकड़ो। अब पैर सीधे जुड़ कर रखने हैं और कमर में से झुक कर आगे झुक कर जो पैर के उंगलियां है, पैरों की उंगलियां है, उसे पकड़ना है। हाँ बच्चों, अगर आप यह पैरों की उंगलियां पकड़ना नहीं कर सकते तो जितना आगे झुक सकते हैं, जितना हाथ आगे जा सकता है उतना आगे हाथ बढ़ाना है, यह बात ध्यान में रखो। बैठकर पैर सीधे करो, दोनों हाथों से पैर की उंगलियां पकड़ो। देखो इस तरह क्या करना है, हाथ सीधे रखने हैं, पैर सीधे रखने हैं और पैर की उंगलियां पकड़नी है। अब हम ये सारे व्यायाम प्रकार कृति के द्वारा देखते हैं। हर्ष रमेश जल्लारे पहली कक्षा का ये छात्र है जो हमारे लिए ये सारी क्रियाएं करके दिखा रहा है। बच्चों, ये है कुमार हर्ष रमेश जल्लारे जो पहली कक्षा में पढ़ता है। आज हमारे लिए व्यायाम इस पाठ की सारी क्रियाएं वह हमें दिखा रहा है। ध्यान से देखो। विश्राम की मुद्रा में खड़े रहो, सावधान की मुद्रा में खड़े रहो, विश्राम की मुद्रा में खड़े रहो, सावधान की मुद्रा में खड़े रहो। एक पैर पर खड़े हो जाओ, देखो एक पैर पे खड़े हो जाओ, बारी बारी एक पैर पे खड़े हो जाओ। अपने हाथ पीठ पीछे से पकड़कर आगे झुको, दोनों हाथ फैलाकर पीछे झुको, दोनों हाथ फैलाकर पीछे झुको। साइड से आप किस तरह दिखाई दोगे यह इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। झुक कर दाहिना हाथ बाएं पैर के अंगूठे पर और बायां हाथ ऊपर, अपने दोनों पैरों के अंगूठे छुओ, देखो अपने दोनों पैरों के अंगूठे छुओ, हाथ ऊपर करके पैर के पंजों पर खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर करके पैर के पंजे पर खड़े हो जाओ, दोनों हाथ ऊपर करके पैर के पंजे पर खड़े हो जाओ। सामने से इस तरह आप दिखोगे। बायां हाथ सामने रख कर उसे धीरे धीरे बाई ओर ले जाते हुए अंगूठे का नाखून देखो। अब दायां हाथ दाई ओर ले जाते हुए अंगूठे का नाखून देखो इस तरह। घुटनों पर बैठकर दोनों हाथों से पैरों की उंगलियां पकड़ो, घुटनों पर बैठकर दोनों हाथों से पैरों की उंगलियां पकड़ो, बैठकर पैर सीधे करो, दोनों हाथों से पैर की उंगलियां पकड़ो, स्वाध्याय प्रश्न पहला रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। एक, डैश करना सेहत के लिए अच्छा होता है। क्या करना अच्छा होता है?
व्यायाम करना अच्छा होता है। दो, खाना खाने के बाद तुरंत डैश नहीं करना चाहिए। खाना खाने के बाद क्या करना नहीं चाहिए? व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम करते समय हमारा पेट खाली होना चाहिए। तीन, व्यायाम करने से हमारा डैश तंदुरुस्त रहता है। क्या तंदुरुस्त रहता है बच्चों? हमारा शरीर। तो रिक्त स्थानों में क्या लिखोगे? शरीर। व्यायाम करने से हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। चार, सूर्य नमस्कार, यह सर्वांग सुंदर डैश है। सूर्य नमस्कार यह सर्वांग सुंदर व्यायाम है। पांच, प्राणायाम करने से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। क्या लिखना है? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। प्रश्न दूसरा, पाठ में दिए गए व्यायाम प्रकार हर रोज करो। व्यायाम करते हुए अपना वीडियो बनाओ। प्यारे बच्चों, आज हमने व्यायाम इस पाठ को पढ़ा और साथ साथ दी हुई सारी कृतियां भी की है। अब आपको समझ में तो आ गया होगा कि हमें व्यायाम किस तरह करना है। तो आप हर रोज बताए गए कृतियों के अनुसार व्यायाम करो, चुस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना। और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। अगली बार वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।